दुनिया के अंदर औरतों का जो रोना रो रहे हैं, और मेरी हमारी माओ बहनों को आजादी निस्वा के नाम पर रोडों और सड़कों पर निकलवा रहे हैं, ये हवस परस्त, ये बदकार फहाज किस्म के लोग, ये आजादी का नाम लगा लगा करके मुसलमानों ने अपनी औरतों को बुरकों में बिठा रखा है, मुसलमानों ने चार दीवारियों के अंदर रखा। क्या करें, बाहर निकालो, फैक्ट्रियों में काम करें, कंपनियों में काम करें, सिक्रेटरी, पर्सनल सिक्रेटरी बने। दूसरे ये खबीस मरदूद किस्म के लोग अपने शहवतों की आग बुझाने के लिए, अपनी जिनाकारियों बदकारियां करवाने के लिए हमारी माओ बहनों को आजादी निस्वा का नारा लगाते हैं। हालांकि इस्लाम ने बराबरी, बराबरी का हकूक जो इस्लाम ने दिया है किसी धर्म और किसी दीन के अंदर, किसी कानून के अंदर मौजूद। और अगर तुम बराबरी की बात करते हो, मैं कहता हूं कि औरत 9 महीने में बच्चे पैदा करती है, मियां तुम भी बच्चे पैदा करो, करोगे? बोलो, ये अपने अपने बच्चे पैदा करेंगे। ये मर्द जो कहते हैं औरतों को, मर्दों को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए। औरत बेचारी हमल से होती है, तू भी हमल से रहे, इसको हमल होगा? बोलो, तू हमल बटवा, करवा हमल। औरत बच्चे देती है, तू भी बच्चे दे। औरत हर महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत के, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाते हुआ के मुकद्दर में लिखा हुआ कि वो बेचारी, उसको मंथली ब्लेड आते हैं, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन, हफ्ते भर इनको भी आते हैं। बोलो, तुझे भी आने चाहिए, क्योंकि तू कंधे से कंधा मिला के चलने की बात कर रहा है ना। इन खबीसों को पता ही नहीं, जब तू अल्लाह को ना जाने, वो हमको तुमको क्या जाने, जो दूर हैं उलाए कल नाम बल हो मदल। अरे, ये तुम्हारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है मुसलमानों, अल्लाह की कसम, तुम जितने दाना बीना और हशाज और दुनिया के अंदर मुअज्जज मोहतरम हो, अपनी वकात और अहमियत को तुम नहीं पहचानते। अरे, ये अमरीका, ये खंजीर खाने वाले कुत्ते बिल्लियों को अपनी गोदों में खिलाने वाली नजिस, औज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें किन किन चीजों से पाको साफ रखा, तुम्हें हुनर दिया, शऊर दिया, फिक्र दी, अक्ल दी, कि ये कुत्ते नजिस हैं, ये खंजीर नापाक हैं, गलीज हैं, पलीद हैं, इनसे दूर रहो, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या क्या तालीमात इस्लाम ने तुमको नहीं दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का लई शकर तुम लजीदन करो। अल्लाह फरमाता है, शुक्र अदा करो कि तुम्हें औरत अदा फरमाई। वल्लाह, तुम इस कायनात के मसीहा हो मुसलमानों, तुम इस दुनिया के मसीहा हो। तुम अपनी हैसियत को पहचानो, तुम अपनी हैसियत भूल गए, तुम लोगों के रहनुमा हो, तुम लोगों के डॉक्टर हो इन मरीजों के, तुम लोगों के हुक्मरान हो, काई हो, तुम रहनुमा हो, तुम अपनी मंजिल भूल चुके हो, तुम अपनी हकीकत को भूल चुके हो। अपनी हकीकत को याद करो, अपनी मंजिल को याद करो, अपने मौला को याद करो, अपने काइद और रहनुमा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो। पलटो, लौटो अपने माजी की तरफ, लौटो अपने असलाफ की तरफ, क़यादत करने वाले बनो, तौहीद का परचम लेकर दुनिया के गोशे गोशे में चले जाओ। रब की कसम है, तौहीद का परचम लेकर जिस तरफ जाओगे, आंखों में आंखें, मौत भी तुम्हें आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा मुकाबला कर सकती। तुम समंदरों में भी चले जाओगे, समंदर तुम्हें रास्ते दे देगा। जंगलों में चले जाओगे, तुम्हें शेर तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ, ये कीड़ा, ये जानवर, ये तुम्हें तुम्हारे पीछे पीछे चलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आसमान तुम्हें रास्ता दे देगा, ये जमीन के सहरा तुम्हें मंजिल का पता देंगे। तुम वो चिरागे रह गुजर रहो कि जहां बैठ गए वहीं दुनिया मंजिलों को पा जाती है, लेकिन आज तुम अपनी मंजिल को भूल चुके हो, अपनी हैसियत को भूल चुके हो। वला तहनू वला तहजनू अंतुम अलऊना इन कुंतुम मोमिनीन। रब तुम्हें कहता है कि गम ना करो, फिक्र ना करो, कामयाब तुम ही हो, बुलंदियां तुम्हारा ही मुकद्दर है, बशर्ते कि तुम मोमिन, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। ईमान की हकीकत को समझो, हमने ईमान को भुला दिया, हमने इस ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट की। आमाले सालेहा जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए और फरमाया कि मन हदथ फी अमरिना हाजा माले समिनहु फहरजन, हमने जो हुक्म दिया है, हमने जो दीन पेश किया है, जो अमल पेश किया है, इसमें ना कमी करो ना ज्यादा करो। अगर तुमने इसमें कमी या ज्यादा करी, वो बिदअत है, वो कुल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने वाली है। अल्लाह के नबी ने तुम्हें खालिस अमल दिया, खालिस तरीका बताया, उसमें भी तुमने घोटाले किए, उसमें भी तुमने डंडी मारी, उसमें भी तुमने मिलावटें करी, उसमें भी तुमने अपने ईमान बिदात मिलाए, बिदात मिला मिला करके उसको भी गंदा बना दिया। कहां जाओगे, कहां? इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान को भी खालिस करो, अपने अमल को भी बोलो खालिस करो। सोचो, हम नमाज पढ़ें उस तरह पढ़ें जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ उस तरह नहीं जिस तरह हमारे इमाम पढ़ते पढ़ाते हैं, जिस तरह फलाने हजरत ने पढ़ी पढ़ाई। हमारे हनफी नमाज, वो हनफी शाफी नमाज, वो देखो मालिकी नमाज, वो देखो जाफरी नमाज, वो देखो हम्बली नमाज,
है नहीं है, बोलो। ये टोटके, ये ढकोसले क्यों किए तुमने? किसने कहा तुमको बनाने के लिए? किसने कहा? इमामों ने कहा नऊज बिल्ला, वो बेचारे उन्होंने कहा इज़ा सहल हदीस व मज़हबी। ए लोगो, दुनिया के लोगो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, हमारे पीछे नहीं चलना। जो भी सही हदीस हो वही तुम्हारा क्या है बोलो मज़हब है। तोड़ दो इन सनम कदों को, बुतों को, और पलटो हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नक्श कदम पर। قال الله, वो फजा पैदा करो। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के जमाने में जब भी कोई मसला होता, नबी करीम की खिदमत में हाजिर होते, सवाल करते कि नहीं करते, जवाब मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर तुम हकीकत में अगर इस नक्श पे, नक्शे कदम पे नहीं चलोगे, नहीं आओगे, याद रखो रुसवाइयां तुम्हारा मुकद्दर होंगी। रब्बे काबा की कसम है, तुम्हें कोई इन जिल्लतों से बचा सकता ना कोई मौलवी, ना कोई मुफ्ती, ना कोई आलिम, ना कोई इमाम, ना कोई मुक्तदा, ना कोई रहनुमा। रहनुमा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जन्नती बनने के लिए यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अमल करो और साहबे ईमान होकर के, चाहे मर्द हो या औरतें हो, अगर वो मोमिन है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता हम उन्हें बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजजियन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून, और सबसे बेहतरीन उनके अमल का बदला क़यामत के दिन हम उन्हें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। यह है कि अपने आमाल को खालिस करो, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जेवर से अपने आमाल को आरास्ता पैरास्ता करो, अपने ईमान को तौहीद खालिस के साथ मिलाओ, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमुदात जो हैं उनके मुताबिक अल्लाह ने फरमाया कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन अब बन चुके हो। अल्लाह फरमाता है मोमिनीन कामयाब हैं। फलाह, फलाह तीन माने हैं फलाह के। फलाह अरबी का लफ्ज़ है, इसी से फलाह भी आता है। फलाह माने किसान, अरबी में फलाह किसको कहते हैं? किसान के माने क्या होते हैं अरबी में? फलाह, फलाह कहते हैं, फलाहीन किसान लोग हैं। और इसमें इसके तीन माने, फलाह फलाह का माना होता है जमीन को फाड़ना। किसान फलाह को किसान क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान हल से जमीन को क्या करता है? फाड़ता है। तो इसके माने होते हैं फलाह के माने में फाड़ना, फाड़ने वाला। तो फलाह जमीन को फाड़ना, और एक दूसरा माना इसका, इसका जो है इसका माना है दूसरा बाकी रहने के, और तीसरा माना है समरा और फल हासिल करने के, मेहनत करने के। तो इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जो इरशाद फरमाया कि कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए कौन? अल-मुमिनून। और ये कामयाबी ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिली है। जिस तरह किसान खेत को फाड़ता है, बीज को बोता है, फिर उसके समरे को क्या करता है? हासिल करता है, तो कामयाब है, फल हासिल करता है। ऐसे ही मोमिनीन मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें उसके फल से उन्हें आशरा फरमाता है। तो अल्लाह फरमाता है मोमिनीन ये कौन है? कामयाब हो गए, यानी इंशाअल्लाह ताला इनका ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत होगा। कौन है ये मोमिन कामयाब होने वाले, और कामयाबी क्या है? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिउन, जो अपनी नमाजों में इज्ज और इंकिसारी बरतते हैं, जो अपनी नमाजों में आजिज़ी से करते हैं। और एक दूसरा माना मुफस्सिरीन ने बयान किया, जो अपनी नमाजों को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अदा करते हैं, यानी खुशू और खुजू को बरकरार रखते हुए जिस तरह नबी ने रुकू किया उस तरह रुकू करते हैं, जितना इत्मीनान, जितना सुकून, और जिस तरह अल्लाह के दरबार में खड़ा होना चाहिए उस तरह वो खड़े होते हैं। कोई अपनी दाढ़ी से नहीं खेल रहा, कोई घड़ी नहीं देख रहा, कोई कपड़े नहीं संवार रहा, कोई ये नहीं कर रहा, बल्कि नहाय जी इज्जो इनकिसारी के साथ कुरान के एक एक लफ्ज के ऊपर पढ़ते हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं। अगर कहीं दिल के अंदर कोई ख्याल आता है तो ये गौर करते हैं, हम नमाज में हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हैं। इसको कहते हैं खुशू खुजू, आराम से, इज्जत से, एहतराम से नजरें झुका करके रब्बे ताला की बारगाह में नमाज को अदा करते हैं। इधर उधर देखना, घड़ी देखना, वो गुदरे सही करना, चादर सही करना, ये करना, वो करना ना, बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ खड़े होते हैं। तो मोमिनीन की पहली सिफत क्या है? नमाज अदा करते हैं। ईमान लाने के बाद उनका काम क्या है बोलो? तौहीद। और
तौहीद मजबूत होने के बाद उनका पहला काम क्या है कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज में खुशू और खुजू अख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून, और अल्लाह फरमाता है मोमिनीन वो हैं जो तमाम बेकार की बातों और बेकार की चीजों से क्या करते हैं, दूर रहते हैं। लग कहते हैं बेकार के मशगले, बेकार की तफरीहा, तफरीह तबा के लिए कैरम बोर्ड खेल रहे, ताश खेल रहे, फालतू सिनेमा बीनी, ये वो फारिग जो औकात हैं उन फारिग औकात को इन बेहयाइयों और बुराइयों और दीगर चीज़ों से वो आबाद करते हैं। ये तमाम सब चीज़ें लग हैं और इन तमाम सब अपने वक्त को ज़ाया करना है। तो मोमिनीन वो हैं जो अपने औकात को लग चीज़ों में नहीं सर्व करते, बल्कि जो फारिग औकात हैं उनमें वो कुरान की तलावत करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो दीन के फायदे के लिए। कब्रिस्तान चले गए, कब्रिस्तान की ज़ियारत करके आ गए, मौका मिला हॉस्पिटल चले गए, किसी भाई कोई मरीज हुआ उसकी इयादत के लिए चले गए। जानते हैं आप एक मरीज की इयादत का जो जवाब क्या है कि अगर सुबह आपने किसी मरीज की इयादत की, अपने भाई की या किसी भी अजनबी की भी जा करके आपने मरीज की इयादत की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह अकबर, मामूली नहीं है ये 70,000 फरिश्ते। तो अपने फारिग औकात को दीन के सीखने में, अल्लाह की रजा में सर्फ करने के बजाय आदमी इधर उधर फालतू चीजों में सर्फ करे, ये इस्लाम के अंदर मना है, ये ईमान के बरखिलाफ है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग फारिग औकात में लग काम करते हैं, लग कामों से दूर रहते हैं, तो नंबर एक नमाज को खुशू से अदा करते हैं, और नंबर दो लग और बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, और नंबर तीन अल्लाह रब। अच्छा, इसके अंदर एक बात और बताऊं, लेकिन जिस्म को मजबूत बनाने के लिए आदमी तैराकी सीखे, तीरंदाजी सीखे, घोड़सवारी सीखे, ड्राइविंग सीखे, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए काम के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से ये लग कामों में नहीं आता। तो तीसरा काम यह है कि अल्लाह रब वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, मोमिनीन वो हैं जो ज़कात अदा करते रहते हैं, अपनी ज़कातों से गफलत नहीं करते। माल आया, पैसा आया, जेवर है, गल्ले हैं, उश्र हैं, जो भी हैं उसमें जो है दसवीं में ये एक हिस्सा, बीसवें में एक हिस्सा, माल में 100 रुपये में 250 रुपये, 1,000 में 25 रुपये में, मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये आए तो 25 रुपये, साल गुजरने के बाद उसके जो शुरूत हैं उनमें जानवर हैं, बकरियाँ हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, इन सब में वो ज़कात अदा करते रहते हैं। हमेशा उनको फिक्र रहती है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद है, इसमें गरीबों का हक है, पुलिस दो इसमें उसको ज़कात देना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वो लोग जो ज़कात को अदा करते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और चौथी सिफत यह है कि वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, चाहे मर्द हों या औरतें हों, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ अपनी शर्मगाहों उन्हीं के साथ इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए हलाल हैं, यानी उनकी बीवियाँ, उनकी बीवियाँ या उनकी वो लौंडियाँ जो उनके अंडर में हैं, मिल्क में हैं, जहाद में जो हासिल हुई हैं लड़कियाँ, उनके लिए निकाह शर्त नहीं है, उनके लिए मिल्कियत शर्त है, आज़ाद औरत के लिए निकाह शर्त है, लेकिन जो आज जो गुलाम लौंडियाँ आती हैं उनके लिए मिल्कियत शर्त है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लौंडियाँ तुम्हें जहाद में मिली हैं उनके साथ भी बगैर उनके साथ वो हमबिस्तरी करते हैं या अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करते हैं, बस इसके अलावा और दूसरे रास्ते जो भी हैं किसी भी तरह के ढके या छुपे, ये तमाम के तमाम हराम रास्ते हैं, ममनू रास्ते हैं, और लोग उससे दूर रहते हैं, वो लोग मोमिनीन हैं। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया फमनिबतगा वरा अदालिका फाउलाइका हुमुल अदून, यानी शादी के जरिए से या लौंडी के जरिए से अपनी शहवत को पूरी करने के अलावा अगर कोई और जरिया रास्ता किसी ने अपनी शहवत को पूरा करने का इख्तियार किया तो वही लोग सरकश हैं और वही लोग हराम कामों के अंदर मुलव्विस हैं और वही लोग मलामत वाले हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और कामयाब वो लोग हैं
कामयाब वो लोग हैं कि जिनको कोई अमानत सौंपी गई, चाहे मुल्क की अमानत हो, इख्तदार की अमानत हो, इल्म की अमानत हो, दौलत की अमानत हो, इज्जत और हुर्मत की अमानत हो, घर की अमानत हो, रुपए पैसे की अमानत हो, आप उसके अमीन बनाए गए, आप उसके खजानची बनाए गए, आप उसके जिम्मेदार बनाए गए, तो कामयाब वो लोग हैं जो अपनी अमानतों के अंदर खयानत नहीं करते, खुरद बुरद नहीं करते, बहिफाजत उसको रखते हैं और उसके मालिक तक उसको बहिफाजत पहुंचा देते हैं, और अपने अहदो पैमान का, चाहे वो खरीदो फरोख्त का अहदो पैमान हो, मुल्क का अहदो पैमान हो, बादशाहों के साथ अहदो पैमान हो, दोस्ती का अहदो पैमान हो, उन तमाम सब की रियायत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानी है।